में आपका स्वागत है। मैं प्रीति सेकुल सेंटर इंचार्ज। आपको एग्जांपल स्टार्ट हो गए थे हमारे, चार एग्जांपल हो गए थे, पांचवा एग्जांपल देखें। क्लास 8 का चल रहा था हमारा। कहता है परिमेय संख्या -7 बटे 3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। ठीक है, तो कहता है हमने परिमेय संख्या ले रखी है कोई -7/3। ठीक है, अब जब -7/3 है तो उसके दुगना करेंगे, तो दुगना करेंगे तो इसका मतलब उसको 2 से गुणा कर देंगे। और उसमें क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं कि हमने क्या जोड़ा, एक्स जोड़ लिया, और उससे हमें क्या मिल गया, 3/7 मिल गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना हमने मान ली कि जो जोड़ी गई संख्या है वो हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, जब x हमने जोड़ी गई संख्या मान ली, तो अब x में क्या जोड़ा जाए, मतलब कि -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए। हम क्या जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं, तो -7/3 का दुगना क्या होगा, -7/3 का दुगना क्या होगा भाई, इसकी 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा में -7/3। ठीक है, तो आंसर क्या आया, -14/3। अब कहता है कि -14/3 में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम मान के क्या चले थे कि हमने x जोड़ा है। ठीक है, x में क्या जोड़ा है हमने, सॉरी -14/3 में क्या जोड़ा है, x जोड़ा है, तो -14/3 में भाई x जोड़ दिया, प्लस का निशान लगाया x में। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3/7, ये इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस माइनस क्या होती है, -14/3 बराबर 3/7। ठीक है, यहाँ से x बराबर वही, ये माइनस का इस साइड आके प्लस का होगा, तो क्या आ जाएगा, 3/7 जमा में 14/3। एलसीएम क्या आएगा, किसी से डिवाइड नहीं होता, तो एलसीएम कितना आ गया भाई, 21। ठीक है, अगर 21 आ गया तो 7 किया 21, और 3 की 3 से गुणा करिए 9, जमा 3 की 7 से गुणा करिए 3 7 21, और 14 की 7 से करेंगे 3 7 21, और 14 7 98। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 107/21। ठीक है, कैसे होगा भाई, परिमेय संख्या बोला था कि -7/3 में क्या जोड़ा जाए, कि दुगने में क्या जोड़ा जाए, हमने मान लिया कि वो हम जो संख्या जोड़ रहे हैं वो x है, तो x जमा में इसका दुगना क्या होगा, -14/3, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, हमने x जोड़ दिया, हम मान लेते हैं कि हमने जो संख्या जोड़ी वो x जोड़ी, और x संख्या जो जोड़ी वो तुम्हारी 3/7 प्राप्त करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये अब जोड़ी है, तो प्लस उसका पहले ऑलरेडी माइनस निशान था, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस जाके इस साइड आके प्लस हो गई, एलसीएम लिया 21, 7 किया 21, और 3 की 3 से गुणा करेंगे 9, और 21 को 3 से भाग करेंगे 3 7 21, और 7 की 14 से गुणा करेंगे 98। इसको इसमें जोड़ा था कितना है भाई, 107/21। तो हमें -7/3 के दुगने में क्या जोड़ेंगे, 107/21 जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 3/7। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 6 देखें भाई। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 3/4 सेंटीमीटर है, लंबाई ज्ञात करनी है। हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हमें यहाँ परिमाप यूज करना है, तो परिमाप का सूत्र देखो भाई, आयत का परिमाप क्या होगा, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। क्लियर, अब हमें चौड़ाई तो दी गई है लेकिन लंबाई नहीं दी गई, तो हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, हमें लंबाई निकालनी है, माना आयत की लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी भाई, x सेंटीमीटर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो आयत की लंबाई है वो x सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, अब चौड़ाई हमें कितनी दी गई है,
ग्यारह, और जो बटे में है वो बटे में ही रहेगा। सही बटे तोड़ दिए, दो चार दो आठ, आठ में तीन जोड़ा, ग्यारह बटे चार सेंटीमीटर। ठीक है, अब चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई, फॉर्मूले में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, हमें दो ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, परिमाप दे कितना रखा है तुम्हारा फॉर्मूले दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसलिए दो ब्रैकेट लंबाई कितनी है भाई x जमा चौड़ाई कितनी है 11 बटे 4 बराबर में 13। ठीक है, जब हमारे पास ऐसी चीजें आ जाएं जिसमें हमें उस फॉर्मूले का आंसर दे रखा हो और हमें फॉर्मूला पता हो तो हम दोनों चीजों को इक्वल रख देते हैं, यानी हमें परिमाप का फॉर्मूला भी पता था और तुम्हें परिमाप आयत का दिया भी गया था कि 13 सेंटीमीटर परिमाप है। ठीक है, तो हमने क्या करा, उस फॉर्मूले को 13 सेंटीमीटर के बराबर रख दिया, तो यहाँ से क्या आएगा भाई, दो जमा में लंबाई हमने मान ली थी x, चौड़ाई तुम्हारे पास 11 बटे 4 है बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ से अब ये दो गुणा में है, इस साइड आगे क्या होगा भाग में, तो क्या आएगा भाई x जमा में 11 बटे 4 बराबर 13 बटे 2। ठीक है, अब ये प्लस का 11 बटे 4 है, प्लस का 11 बटे 4 है, इस साइड आगे क्या होगा माइनस का 11 बटे 4, तो क्या आ जाएगा x बराबर 13 बटे 2 माइनस 11 बटे 4 बराबर, सोल्व करो भाई एलसीएम कितना आएगा, 4 एलसीएम आया, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26 माइनस 11, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1 15 बटे 4। तो तुम्हारे पास आंसर कितना आया भाई, x बराबर 15 बटे 4। अगर इसको सही बटे में तोड़ो तो सही बटे में तोड़ दो, सही बटे कैसे तोड़ेंगे भाई, 15 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 4 के 12। ठीक है, तो ऊपर वाला आगे, नीचे वाला ऊपर और ये यानी भागफल आगे, शेषफल ऊपर, ये तुम्हारा जो भाजक तुमने जिससे भाग लिया था वो नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया कि आयत का परिमाप माना नहीं बल्कि फॉर्मूला हमें पता है कि दो ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई होता है, उसका एक आंसर हमें दे रखा था 13 सेंटीमीटर, लंबाई उसकी एक्स मान ली, चौड़ाई दी गई थी, दोनों को बराबर रख दिया, वैल्यू रखी लंबाई की एक्स, चौड़ाई की 11 बटे 4 बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्स जमा में 11 बटे 4 बराबर ये गुणा में इस साइड आके भाग में हो गया, इसमें से ये माइनस करा, 4 एलसीएम आया, तो 4 एलसीएम आया तो 4 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा 2 और 13 दूनी 26 माइनस 11, 26 में से 11 गए 15 बटे 4, एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया 15 बटे 4। इसका मतलब तुम्हारे पास लंबाई कितनी आ गई, 15 बटे 4 लिखो, या तुम्हें चौड़ाई सही बटे में दी गई थी तो इसको भी सही बटे तोड़ दिए तो 3 सही 3 बटे 4। अगला क्वेश्चन देखें, साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तुम्हें दोनों की। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, साहिल की मैंने क्वेश्चन पिछले करवाए थे जब उसमें बताया था कि जिसकी वर्तमान आयु या जिसका बोला जाए कि वो इससे दुगनी है या तिगुनी है तो हम उस चीज को मान लें जिसके लिए बोला गया है, तो अब यहाँ साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु से तिगुनी है। ठीक है, तो हम किसकी मान लेंगे, साहिल की मान लेंगे, साहिल की माँ की आ जाएगी, तो कैसे माना, साहिल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हमने मान ली भाई। ठीक है, साहिल की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष, अब माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, साहिल की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3x, 3 गुणी बोली है तो 3x वर्ष। ठीक है, अब जब साहिल की माँ की आयु उसकी तिगनी बोली थी तो 3x हो गई, अब कहते हैं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का
का योग 66 हो जाता है। तो पहले आयु का योग बाद में निकालेंगे, पहले हम 5 वर्ष बाद इनकी आयु निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, ठीक है, कितनी हो जाएगी? एक्स जमा में 5 वर्ष, भाई बाद बोला है तो बाद में क्या होगा? प्लस, अगर पहले बोलता तो क्या होती? माइनस। अब यहाँ से 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में उसकी कितनी है भाई? 3x। तो बाद बोला है तो 3x जमा 5 वर्ष। अब दोनों की आयु का योग बोला है 66, तो हम दोनों की आयु को प्लस कर देंगे। एक्स जमा 5 जमा में 3x जमा में 5 बराबर 66। क्लियर भाई? उसने बोला कि जो साहिल की माँ की वर्तमान आयु है वो साहिल की आयु से 3 गुणी है, तो 3 गुणी बोला था हमने, साहिल की मान ली x और उसकी कितनी आ गई 3 गुणी, तो 3x आ गई। यहाँ से उसके 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग बोला है 66। अब पहले 5 वर्ष बाद उनकी आयु निकाल लो, क्या आएगी? 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी आ जाएगी? x जमा में 5 वर्ष, और माँ की कितनी आ जाएगी? वर्तमान कितनी थी? 3x जमा में 5। अब दोनों की आयु का योग कितना बोला है? 66। तो दोनों को जोड़ दो, इनको जोड़ना है, इनको नहीं, क्योंकि 5 वर्ष बाद आयु का योग बोला गया था, इनको जोड़ के 66 आ गया। प्लस कर दो भाई, 4x जमा में 10, 5 और 5 10 बराबर 66। तो 4x बराबर भाई 66, ये प्लस का 10 इस साइड आके माइनस का 10, 66 में से 10 रहे 56। अब ये 4 गुणा में इस साइड आके क्या होगा? भाग में, ठीक है। तो 4x बराबर भाई 56 ये आया, तो x बराबर में 56/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 जो 16, तो x हमारे पास कितना आ गया? 14। तो इसका मतलब साहिल की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 14 वर्ष, और साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 14 एकम 14, 14 28, 14 42, 3 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। आशा रखती हूँ इतनी जिले में आपको समझ आया होगा, उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझा पाएं। धन्यवाद।